कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लगातार शासन प्रशासन लोगों को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील कर रहा है। चल रहे लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की भी लगातार हिदायत दी जा रही है। यूपी के संभल में आज कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु अग्निशमन टीम द्वारा सैनिटाइज किया गया, जहां पर लगातार संभल में चल रहे संक्रमित आंकड़ों में बढ़ोतरी होने के कारण लगातार शासन के द्वारा बचाव हेतु पहले शहरों में किया जा रहा था, लेकिन अब ग्रामीण अंचलों में फैले इस वैश्विक महामारी से बचाव करने के लिए सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक स्थलों जहाँ पर भीड़ वाले इलाकों में सैनिटाइज कर बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निशमन टीम के द्वारा संभल के चंदौसी तहसील के अंतर्गत आने वाले अकरोली सेतपुर गणेश मंदिर चंदौसी रेलवे स्टेशन चंदौसी तथा अन्य कई स्थानों पर सैनिटाइज किया गया। पहले पिछले वर्ष तो शहर में महामारी थी कोविड की, इस बार गांव में भी है, तो गांव में ये महामारी ना फैले इसलिए हम शहर के साथ साथ गाँव में भी सैनिटाइज कर रहे हैं। आज हमने गाँव में सैदपुर में वहाँ पर कोविड से 2-3 मौतें हुई हैं, संसुई में, आदमपुर में, ये पूरे गांव सैनिटाइज किए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो वायरस फैला है ये ख़त्म हो जाए और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुटकारा मिले। हमारी टीम रोज़ सुबह से और शाम तक लगभग हर रोज़ पूरे गांव में और शहर में जहां जहां हमको सूचना मिलती है कि यहां पर कोविड का कोई मरीज निकला है और वहां पर करते हैं, अस्पतालों में जहां पर भीड़ रहती है वहां पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, इसमें सब में हम प्रतिदिन भिन्न भिन्न जगह पर जहां ज़्यादा भीड़ रहती है सैनिटाइज करते हैं और लोगों को मास्क पहनने का, डिस्टेंसन का और उसके बारे में बताते हैं। हमारी टीम में आज जो सैनिटाइज किया है, मैं प्रभारी फायर सर्विस चंदौसी खुशनूद हुसैन, ड्राइवर गजय सिंह, फायरमैन हमारे आकाश कुमार, गौरव कुमार और सुरवीर, ये सभी हमारे बहुत ही मेहनत से सब लोग जी जान लगा करके ये सब कार्य कर रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हमारे देश से और हमारे प्रदेश से ये वायरस ख़त्म हो जाए।